वन है ना, ठीक है चेक कर लिया भाई आपकी क्लास के स्टूडेंट्स ने। बात करते हैं हम एक्सेप्शन की, ठीक। एक्सेप्शन क्या है देखिएगा, आपको छोटा सा पहले एग्जांपल बताऊंगा नॉर्मल सा ताकि सबको आ जाए। ठीक भाई, मान लो आप में से किसी का कल एग्जाम है, ठीक, पेपर पेपर एग्जाम परीक्षा, ठीक, आपने लर्न कर लिया, सब चीजें दोहरा दोहरा के देख ली, चेक कर लिया, ठीक ठीक है। परंतु आप जैसे ही स्कूल विद्यालय पहुंचे, वहां आपने देखा कि आपके पास लिखने के लिए पेन या पेंसिल नहीं है, आपने चेक किया एडमिट कार्ड लाना ही भूल गए, तो क्या आप एग्जाम दे पाओगे? यानी कि आप ऐसा फ्लो सोच रहे थे कि मैं अब जाऊंगा वहां एग्जाम दूंगा, एग्जाम 3 घंटे लिखने के बाद फिर अपने घर वापस आ जाऊंगा, ये नॉर्मल फ्लो आपने सोचा था। परंतु पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं है, तो ये आपका नॉर्मल फ्लो ब्रेक हो जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा है ना। परंतु ये जो नॉर्मल फ्लो ब्रेक हुआ है आपका, पेंसिल पेन एडमिट कार्ड, ये एग्जीक्यूशन से पहले यानी कि इस काम को अंजाम देने से पहले चेक की जा सकती थी या नहीं? चेक की जा सकती थी ना, वो आपकी गलती है। जो चीजें चेक की जा सकती थी, जो भी चीजें चेक की जा सकती थी उसे कहते हैं क्या, चेक्ड एक्सेप्शन। पेंसिल चेक कर सकते थे हम, एडमिट कार्ड चेक कर सकते थे हम, इन्हें सब चेक किया जा सकने वाली चीजों को क्या कहते हैं हम, चेक्ड एक्सेप्शन। परंतु एक्सेप्शन किसे कहते हैं, अभी अभी बताया है, एन अनवांटेड इवेंट, कोई अनवांटेड इवेंट, ऐसा इवेंट जो हम चाहते नहीं, हमारा अनचाहा इवेंट, एन अनवांटेड इवेंट दैट स्टॉप नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को जो रोक दे, ऐसा अनवांटेड इवेंट क्या कहलाता है, एक्सेप्शन। ये दो तरीके के होते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड में भी आएंगे, पहले चेक समझ में आया, जो चेक की जा सकती थी वो सारी क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन। जैसे कि पैन चेक किया जा सकता था, एडमिट कार्ड घर से निकलने से पहले चेक किया जा सकता था, है ना। अब अनचेक्ड क्या है, आपने एडमिट कार्ड भी चेक कर लिया, पेन भी चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, परंतु आप जैसे ही विद्यालय के आधे रास्ते में पहुंचे, रोड पे सरकारी गाड़ियां तेज तेज दौड़ने लगी बड़े अनाउंसमेंट के साथ कि आज बंद है, बंद है, बंद है, सार्वजनिक बंद है, कर्फ्यू, कोई भी नहीं निकलेगा, चाहे विद्यालय हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई दुकान हो, कुछ नहीं खुलेगा, बंद मतलब बंद। तो आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन तो अब भी बंद हो गया, क्या ये चेक किया जा सकता था, ये नहीं चेक किया जा सकता था, ये नहीं चेक किया जा सकता। मान लो कोई आपदा आ जाए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, है ना, अर्थक्वेक आ जाए, या स्कूल की बिल्डिंग ही गिर जाए, तो आप एग्जाम तो अब भी नहीं दे सकते। परंतु क्या ये चेक एक्सेप्शन है, चेक की जा सकती थी, जो चेक नहीं की जा सकती थी रन टाइम पे पता चला जिसका, वो सब क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन। क्लियर है? अब आते हैं इसे प्रोग्रामिंग वाली भाषा में कैसे समझे, अब तो लेमेन वाली भाषा में समझ लिया। हैंडलिंग अभी नहीं बताया मैंने, अभी सिर्फ एक्सेप्शन बताया है और इसके कितने पार्ट हैं ये बताया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग बाद में बताऊंगा, पहले यहां तक समझें कि भाई चेक्ड क्या है, अनचेक्ड क्या है, इसको अब अपने प्रोग्रामिंग में देखते हैं। ठीक, देखिएगा जब हम कभी भी डेटाबेस से कोई फाइल रीड करने का कोड लिख रहे हैं, डेटाबेस से कोई फाइल को रीड करने का कोड लिख रहे हैं, ठीक, तो यानी कि ये एक एग्जांपल दिया है, फाइल रीडिंग कोड मैं लिख रहा हूं, ठीक, इन जावा,
मैंने लिख दिया, ठीक। फाइल रीड करने के लिए मैंने कनेक्शन भी बना दिया, फाइल इनपुट स्ट्रीम भी बना दिया उसका ऑब्जेक्ट, और डॉट रीड करके मेथड भी इस्तेमाल कर लिया, परंतु मुझे वहां फाइल ही नहीं मिली। जिस मान लो मैं चाहता हूँ एयरटेल के सर्वर से सारे भदोही वाले यूजर की लिस्ट चाहता हूँ, तो एयरटेल के सर्वर से डेटाबेस कनेक्शन बनाऊंगा, फाइल इनपुट स्ट्रीम इस्तेमाल करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसका, उसका रीड वाला मेथड इस्तेमाल करूंगा, यही करूंगा ना। परंतु वहां एयरटेल के डेटाबेस पर किसी ने वो फाइल ही डिलीट कर दी, तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। परंतु ये बात तो मेरे दिमाग में आ सकती थी कि अगर फाइल ना मिले तो मेरे को क्या करना है, ये चेक किया जा सकता था ना। यानी कि मुझे पता है कि भाई मैं कनेक्शन, क्योंकि दूर दराज अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ मेरी आंखों के सामने होता तो यहाँ हाथ के हाथ में कर लेता। परंतु एक संभावना है कि वहाँ मुझे फाइल मिल जाएगी, पर ये भी तो संभावना है, क्या पता फाइल मिले ही ना, या रात में किसी ने उस फाइल का नाम रीनेम कर दिया और जिस नाम से मैं ढूंढ रहा हूँ वो मिले ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसी वाली चीज़ को हम हैंडल कर सकते थे ना कि भैया मैं अगर फाइल रीडिंग का कोड लिख रहा हूँ तो कंपाइलर मुझसे पहले ही कह देगा क्या कि भाई साहब आप फाइल रीडिंग का कोड तो लिख रहे हो, फाइल इनपुट स्ट्रीम का आप कोड तो लिख रहे हो, ठीक, परंतु क्या आपने इसे चेक भी किया, मान लो फाइल मिलेगी नहीं तब क्या करोगे? एक्सेप्शन आ जाएगी, फिर आप मुझसे कहोगे अरे कंपाइलर तूने चेक क्यों नहीं किया था उस टाइम पे। कंपाइलर सजेशन दे रहा है कि भाई साहब इसे चेक बैक कर लो, अगर मान लो फाइल वहां नहीं मिली तो कोई दूसरा रास्ता है आपके पास, तो ये चेक की जा सकने वाली एक्सेप्शन थी जिसमें सजेशन दे रहा है कंपाइलर आपको, ठीक है। कंपाइलर आपको सजेशन दे रहा है कि भाई साहब चेक बैक कर लो, लेकिन कुछ अनचेक्ड एक्सेप्शन भी होती है, इसे मैं भी कमेंट कर रहा हूँ, बाद में आएंगे वापस इस पे, ठीक। लेकिन कुछ अनचेक्ड एक्सेप्शन भी हो सकती थी, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ये रन हो जाएगा ना, इसे रन कर देंगे अगर, तो सॉरी मैंने इसमें आपका कोड खराब कर दिया, रुको मैं इसको दूसरी जगह ले जाता हूँ, मैं दूसरी जगह ले जाता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, एक्सेप्शन नाम से एक और पैकेज बना दे रहे हैं, भाई काम कर रहे हैं लोग तो भाई मैं उनका काम क्यों खराब करूं? हाँ ओक्स का ही तो चल, नहीं ओक्स खत्म हो गया है, ओक्स का एक्सेप्शन हैंडलिंग में कैसे आपका वो ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट है ये करने के बाद वो समझना है, क्योंकि पहले मैं वो बता दूं आपका ये क्या होता है, ये क्या होता है, मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे सवाल आने वाले हैं, उससे पहले वो डाइजेस्ट कर लो ना जो होने वाला है, ठीक। डिस्करेज पैकेज नेम ये लीजिएगा, ठीक आ गया, ये इसके अंदर मैं एक क्लास बना ले रहा हूं सैंपल क्लास बना लिया, और ये मेरा मेन मेथड है, यहां मैंने वो FIS वाला कोड लिख दिया था। अब देखिएगा मैंने क्या करा, आपका इंटीजर i इज इक्वल टू 10, ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में कर रहा हूँ i डिवाइडेड बाय 0। क्या कंपाइलर कह रहा है मुझसे कुछ? परंतु रन टाइम पे आ गई एक्सेप्शन, ये चेक नहीं थी, कंपाइलर ने सब चीज़ देख ली, भैया नंबर को नंबर से ही डिवाइड कर रहा है, बस इतना चाहिए था मुझे, तो बाकी अब वो जो कर रहा है वो जाने, है ना, ये चेक नहीं थी। यानी कि जो रन टाइम पे आ जाए एक्सेप्शन आपकी वो सारी की सारी चेक नहीं है, क्या है वो अनचेक, ये भी तो अनवांटेड नॉर्मल फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम ब्रेक कर दे रही है ना। भाई मान लो इसके बाद में ये भी लिखवाना चाहता था, मैं ये भी लिखवाना चाहता था, और इससे पहले भी मैं कुछ लिखवाना चाहता था, ठीक, परंतु इसने पहले वाला तो लिख दिया बाद वाला नहीं लिखा, और इस तरह से आपके पास जो आया ये बताऊंगा क्या आया और कौन भेजता है ये पूरा बताऊंगा, परंतु मेरा ये लाइन नहीं हो पाई प्रिंट, हो पाई कोई
मेरा प्रोग्राम कैसा टर्मिनेट हुआ, नॉर्मली या एबनॉर्मली? एबनॉर्मली, मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मली हो गया टर्मिनेट, इसे कहते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक, अगर ये नॉर्मल टर्मिनेशन होता तो जैसी मैं एक्सेप्शन लिखवाता वैसी लिखता और आगे का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करता। ठीक, बताऊंगा अभी वो भी कैसे होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक्सेप्शन क्या चीज होती है? एन अनवांटेड इवेंट दैट स्टॉप्स द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम, दैट इज नोन एज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक, और प्रोग्राम, हाँ, नॉर्मल और एबनॉर्मल नहीं समझ में आया? देखिएगा, मेरे पास मान लो ये जो वाली लाइन में एक्सेप्शन आने वाली थी, इसके बाद मेरे पास मान लो 50 लाइन का कोड और है, है ना? मान लेते हैं 50 लाइन का कोड और है, परंतु इस एक्सेप्शन आने की वजह से वो सारा नहीं हो पाया, बस बीच में एक्सेप्शन आया और रुक गया प्रोग्राम, इसे कहते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन। लेकिन इसका अल्टरनेट वे में मैंने अगर कुछ और कर रखा होता तब ये नॉर्मली टर्मिनेट होता। जैसे कि मान लो मैंने, कल मेरा एग्जाम है और आज रात को मैंने अलार्म घड़ी में अलार्म फिट करके लगा दिया, परंतु मुझे क्या मालूम था कि आज रात को 2:35 पे अलार्म घड़ी का जो सेल है, बैटरी है, वो खत्म हो जाएगी। मुझे क्या मालूम था? ये तो मैं चेक थोड़ी करूंगा रोज, चेक थोड़ी है ये, परंतु मुझे कुछ शक था कि ऐसा अगर हुआ या अलार्म घड़ी खराब हो गई, तो मैंने अपने भाई से या अपनी मदर से कह दिया कि आज कल मेरा एग्जाम है, आज मुझे 5 ही उठा देना। वैसे मैंने अलार्म लगा रखा है, लेकिन अगर नहीं बच पाया तो आप मुझे उठा, ऐसा मैंने श्योरिटी कर ली एक व्यक्ति के साथ। मुझे लगा अगर ये भी नहीं उठ पाया तो मैंने एक और के साथ श्योरिटी कर ली कि भाई वो अगर नहीं उठ पाए तो आप, या मैंने अपने दोस्त से कह दिया, मेरे दोस्त मेरे को फ़ोन करके उठा दी। ठीक है, मतलब तीन चार चार मैंने रास्ते ढूंढ लिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा ना। मान लो अलार्म घड़ी खराब हो गई, उसे तो फिर दुर्भाग्य ही कहेंगे कि अलार्म घड़ी भी खराब हो जाए, उसका दोस्त भी फ़ोन ना करे, या फ़ोन टेलीफोन लाइन ही कट जाए, या मदर भी सोती रह जाए, ब्रदर भी सोता रह जाए, हमने इतने इंतजाम कर लिए, उसको फिर दुर्भाग्य ही कहेंगे, रन टाइम एक्सेप्शन ही कहेंगे फिर दोस्त। ठीक है, चलिएगा, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल टर्मिनेशन समझ में आया? हाँ, तो इसका अभी एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुआ या नॉर्मल? एबनॉर्मल टर्मिनेशन। देखिएगा, कैसे पहचानेंगे हम कि एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुआ है? पहली बात तो आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना? जब कभी भी हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है तो एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होता है। कौन होता है? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होता है, जो कि जावा लिखने वालों ने बनाया था। वो क्या करता है? जिस किसी भी लाइन में एक्सेप्शन आने की संभावना है, यानी कि रिस्की कोड है, उसका ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट बना के पता करता है कि इससे कौन सी एक्सेप्शन आने की संभावना है, उस एक्सेप्शन का नाम लिख लेता है। ठीक, किस तरह की एक्सेप्शन आएगी, डिस्क्रिप्शन लिख लेता है, किस लाइन में एक्सेप्शन आएगी ये लिख लेता है। डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर, एक्सेप्शन हैंडलर, ये इस ऑब्जेक्ट को, जिसके पास क्या है, एक्सेप्शन का नाम, एक्सेप्शन की डिस्क्रिप्शन और लाइन नंबर, ये तीनों चीजें ऑब्जेक्ट में बांध के हमें दे देता है कि लो भैया आप इसका कुछ करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो मैं फिर वापस इसको क्या करूंगा, मैं इसको वापस कंसोल पे डाल दूंगा और भैया जैसा है ये ऐसी की ऐसी प्रिंट कर दूंगा। वो पहले हमें देता है। अब जब हमने लिखा ही नहीं इसको हैंडल करने वाला कोड, तो वो क्या करेगा, कंसोल पे ले जाके उस एक्सेप्शन का नाम लिख देगा। देखो लिखा है, क्या लिखा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा है ना, उसके डिस्क्रिप्शन लिख देगा। क्या लिखा, डिवाइडेड बाय जीरो, डिस्क्रिप्शन लिख देना। देखो डिस्क्रिप्शन लिखी, क्या चीज़ है, डिवाइडेड बाय जीरो, और लिख दिया कौन सी लाइन में है। अगर मैं क्लिक करूंगा तो आगे देखो इसी लाइन पे आएगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसी लाइन पे आएगा। तीनों चीज़ें दे दी इसने, मैं इनको इस्तेमाल कर सकता था पर मैंने करी नहीं। डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर पहले हमें देता है कि भैया इसे हैंडल करना चाहते हो तो कर लो। ठीक, समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये समझ में आया कि अगर इस तरह से आ रहा है तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन है। समझ में आ गया?
क्लियर। एक्सेप्शन दो तरीके की होती है, कौन कौन सी? चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड। जब कभी भी कोई इंटरव्यूअर आपसे एक्सेप्शन की बात पूछे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर, तो कोई भी ये ना कहना अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नो दिस क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास डेफ नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट, ये सब मत गिनवाना। आपको सिर्फ कहना कहना है बड़े स्मार्टली, इट इज डिवाइडेड इनटू ओनली टू पार्ट्स, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। नहीं, ये सब नहीं बोलना, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने शब्द इस्तेमाल कर लिए होंगे बस, ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन, क्लियर है। अब बात आती है जो प्रोग्रामर है, देखो दो बातें बड़े ध्यान से सुनना, प्रोग्रामर है किस तरह की एक्सेप्शन को मैंडेटरी है कि हैंडल करे ही करे, कौन सी तरह की एक्सेप्शन को हैंडल करे ही करे, चेक्ड एक्सेप्शन को, पेंसिल चेक करना, एडमिट कार्ड चेक करना, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। तो पेंसिल चेक करना यानी कि ये चेक करना कि फाइल इनपुट स्ट्रीम, अगर फाइल नहीं मिली, मान लो भदोही जिले की फाइल आज तक की डेट की नहीं मिले, तो मैं एक अल्टरनेट रास्ता ढूंढ दूँ, भैया जब तक वो नहीं मिल रही, इतने मेरे पास लोकल में कल रात तक की पड़ी होगी कोई फाइल, या कल तक की कोई फाइल पड़ेगी, उससे डेटा रीड करना चालू कर दे, अल्टरनेट रास्ता दे दे, उतनी देर उसे बिजी रखा, एक्सेप्शन नहीं आने दी, रास्ता दे दिया ना उसको कोई दूसरा, कि अगर वहाँ ना मिले तो इतने इस वाले से रीड करना, और इतने फिर मैं बात कर लूँगा उनसे कि भैया मेरी वो फाइल वहाँ मिल नहीं पाई है, या तो आप उसे लोड कर दो, मेरा कोड अभी एग्जीक्यूशन में है, समझ में आ रहा है। तो मैंने अल्टरनेट रास्ता ढूंढ लिया उसका। तो ये वाली जितनी भी हैं, चेक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल, प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल, या कोडर इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल ऑल चेक्ड एक्सेप्शन। अब बात आती है क्या अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, परंतु क्या वो कर भी नहीं सकता उन्हें हैंडल? कर सकता है, ये नहीं कहना कि नहीं कर सकता, कर सकता है, पर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, उसे नहीं मालूम कि कब क्या आ जाए, ठीक, पर उसे हैंडल किया जा सकता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं है। ये समझ में आ गया, कौन सी वाली के लिए जिम्मेदारी है? चेक्ड के लिए। अनचेक्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर कर सकता है, वो उसे हैंडल कर सकता है। मान लो मेरी घड़ी खराब हो जाए तो हैंडल कर तो सकता हूँ, पर मेरी चेक्ड एक्सेप्शन नहीं थी, मैं हैंडल कर सकता हूँ, मदर से कह दूँ कि आप उठा देना, मदर भी नहीं उठा पाई तो भाई से कह दूँ आप उठा देना, ये मैं हैंडल कर सकता हूँ, परंतु ये चेक्ड नहीं थी। पर एडमिट कार्ड चेक करना, पेंसिल चेक करना, पेन चेक करना, ये तो चेक्ड एक्सेप्शन थी, इसको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थी? प्रोग्रामर के ऊपर थी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर सकता है या नहीं कर सकता, दो अलग अलग बातें हैं। इंटरव्यूअर आपको उलझाता है इसके अंदर कि क्या अनचेक्ड एक्सेप्शन प्रोग्रामर हैंडल नहीं कर सकता, कर सकता है, नहीं अब नहीं बोलना है ऐसे, कर सकता है बस, ठीक है। लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो दो की, तो आप बोलना कि चेक्ड एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक, कोडिंग भी पड़ेगा, कंपाइल टाइम भी दिखता रहेगा आपको, है ना, क्लियर। डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है, ये समझ में आ गया, वो तीन ही चीजें बना, तीन चीजें इकट्ठी करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है और आपको दे देता है, आप नहीं उसे कुछ कर रहे तो सीधे कंसोल पे ले जाके उस ऑब्जेक्ट से प्रिंट कर देता है, ठीक। अगर इस तरह से आ जाए एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, फिर एक्सेप्शन का नाम और एक्सेप्शन की डिस्क्रिप्शन और कहाँ लाइन नंबर आ जाए, बता रहे हैं ना कहाँ पे, सैंपल क्लास के, देखो कह रहा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग पैकेज के अंदर सैंपल क्लास के अंदर जाओ और मेन मेथड के अंदर जाओ, लाइन नंबर 10 में जाओ, कौन सी वाली क्लास के अंदर, सैंपल क्लास के जावा के लाइन नंबर 10 में जाओ, आ गया ना, देखो लाइन नंबर, मैं इस पर क्लिक करूँगा वहीं आ जाएगा, आ गया ना, ये सारी चीजें वो दे रहा है, कौन, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, मान लो मैंने आपसे कहा कि इस फाटक के उस पार बड़ी अच्छी आइसक्रीम बेचता है भाई, उससे आइसक्रीम लेके आना, आपको मैंने पैसे दे दिए, कार की चाबी दे दी, सब हो गया, आप जा रहे हैं, सोच रहे हैं मन में, वहाँ जाते ही मैं दूंगा उसको पैसा और आइसक्रीम लूंगा और विद इन 10 to 15 मिनट मैं आ जाऊंगा, है ना,
ऐसा मान के आपने चला, ये आपने नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आपने सोचा था, परंतु वहां फाटक लगा हुआ दिख गया तो रेलवे फाटक बंद मिल जाए, गेट बंद मिल जाए, तो क्या वो एग्जीक्यूट हो पाएगा 10 मिनट में? यानी कि आपके नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में बाधा आ गई। क्या ये चेक्ड एक्सेप्शन थी? ये अनचेक्ड थी, अनवांटेड इवेंट है, बट रन टाइम पे हुआ है ना। परंतु जेब में चेक कर लिए दो तीन बार पैसे, चाबी से लगा के देख लिया गाड़ी चल रही है या नहीं, ये पेट्रोल वगैरह ये सारी चेक्ड वाली थी। ठीक, अब क्या मेरी जो अनवांटेड वाली यानी कि अनचेक्ड वाली है, क्या इसे हैंडल नहीं कर सकता था मैं? जरूरी है फाटक से होके जाना, दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। अगर एक ही है तो भाई फिर तो मजबूरी है। कई बार मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन कई बार जब आप बाइक पे होते हो तो आपको लगता है ट्रेन आने में अभी कभी थोड़ा सा टाइम है, बाइक को शायद कह दो अरे बाइक थोड़ी तिरछी हो जा, कहते हो ना, और नीचे से उसे सरका देते हो, अपना काम करके वापस भी आ जाते हो, एग्जीक्यूट करते हो, यानी कि आपने एक अल्टरनेट रास्ता ढूंढ लिया। ड्रोन से हैं, समझ रहा हूँ, ये आप जो भी सजेशन दे रहे हैं ये क्या है? अल्टरनेट वे, अल्टरनेट वे, ये क्या है? अल्टरनेट वे, जो मैंने नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सोचा था, अगर वो ना चले तो उसका एक अल्टरनेट रास्ता मैंने ढूंढा, है ना। ठीक, मान लो मैं जिस ब्रिज से रोज डेली होके स्कूल जाता हूँ, आज वो ब्रिज ही टूट जाए तो क्या मैं स्कूल छोड़ दूँ, एग्जाम छोड़ दूँ, कोई दूसरे रास्ते से चला जाऊँ? ये अल्टरनेट रास्ता, अल्टरनेट वे ढूंढा ना, तो ये सब क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज नॉट टू रिपेयर द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन रिपेयर करना नहीं होता, टू फाइंड एन अल्टरनेटिव वे टू अलाउ द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम, है ना। अपने एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को नॉर्मल करने के लिए एक अल्टरनेट रास्ता हमने जो ढूंढा, दैट इज नथिंग बट एक्सेप्शन हैंडलिंग, दैट इज नथिंग बट एक्सेप्शन हैंडलिंग। नींद आ रही है? एक्सेप्शन हैंडलिंग निकल जाएगा तो कोडिंग में कुछ नहीं कर पाओगे, कोडिंग की जान है ये, समझ में आया? ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, देखो एक्सेप्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, तीनों आ गया आपके, और एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट बनाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, क्या क्या करता है? नेम ऑफ द एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन, लाइन नंबर ऑफ द एक्सेप्शन, किस लाइन नंबर में वो एक्सेप्शन है, कौन करता है? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, हैंडलिंग नहीं हैंडलर। ये इंटरनल जावा प्रोग्रामर्स ने अपना कुछ मेथड बनाया है कि अगर इस तरह की कोई चीज आने की संभावना है तो भैया आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाओ और प्रोग्रामर को वापस दे दो, प्रोग्रामर अगर उससे कुछ कराना चाहता ही है तो करा ले, अन्यथा जब कुछ कराना ही नहीं चाहता कंसोल पे जाओ डाल दो और बाकी चीजों को रोक दो। इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं हम हार्ड स्टॉप ऑफ योर प्रोग्राम। हाँ, आपके प्रोग्रामर का, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हार्डली स्टॉप हुआ है, हार्डली स्टॉप हुआ है मतलब एट दैट टाइम स्टॉप हो गया, जैसे लैपटॉप मेरा नॉर्मल क्या है, शटडाउन बटन पे क्लिक करना, लेकिन हार्ड शटडाउन करना है तब सीधे डीप प्रेस कर दिया, ये हार्ड आपका शटडाउन किया है आपने, समझ में आया? ये वे नहीं है शटडाउन करने का। ठीक, आगे आगे, तो वही अल्टरनेटिव वे जो होता है टू अलाउ द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम इज नथिंग बट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, बात कर लेते हैं कि क्या है आपकी एक्सेप्शन और क्या है एक्सेप्शन के टाइप, क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन, एन अनवांटेड कह लो या अनएक्सपेक्टेड कह लो, That disturb या stop, क्या
normal flow of the program is called exception. Clear? It is into two parts. Kya kya? ठीक है, प्रोग्रामर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हैंडल करने के लिए. प्रोग्रामर कैन हैंडल इट, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कैन हैंडल इट, कर सकता है. एज ए प्रोग्रामर ऐसी क्या चीज है जो हम नहीं कर सकते कोडिंग में? हमारे मुंह से, हमारे देखो, प्रोग्रामिंग की डिक्शनरी में नो नामक शब्द होता ही नहीं. क्या भले ही कोई आइडिया ना हो, यस आई कैन डू. हाँ, कौन एब्स्ट्रैक्ट? मैं नहीं जानता क्या कहना चाह रहे हो और किस संदर्भ में कहना चाह रहे हो, पर हाँ, प्रोग्रामर की डिक्शनरी में नो नहीं होता. कुछ ना कुछ तीन पांच करके जुगाड़ लगा के एग्जीक्यूट कर ही देगा. आपसे किसी ने अगर ऐसा कह दिया, जी भाई साहब, आज आपकी नौकरी इसी बात पे टिकी है कि आपको विंडो बेस्ड प्रोग्राम ऑटोमेट कराना है, आप जानते हैं नहीं हो सकता, परंतु फिर भी आप सोचेंगे, एक बार राहुल सर को फोन करके देख लें, एक बार रिंकू को फोन करके देख लें, या अगर ये दोनों भी नहीं उठाएंगे, गूगल करके देख लें, कुछ रास्ता मिलेगा. आप कहोगे आई विल ट्राई, वहां तुरंत ये नहीं कहोगे, ये हो ही नहीं सकता, वहीं बीच में किसी ने कह दिया, क्यों नहीं हो सकता, मैंने तो कर रखा है भाई. किसी थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल करना मना किया है किसी ने? क्या कर लो आप भी, समझ में आया? रोबोटिक क्लास का इस्तेमाल करने को किसी ने मना किया है? कर लो आप भी, ठीक है, चलेगा. आगे बढ़ते हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिपेयर कर रहे हैं एक्सेप्शन को, नहीं. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज नहीं है कि हम रिपेयर कर रहे हैं एक्सेप्शन को. ठीक, वी हैव टू डिफाइन, इसको ऐसा करते हैं, अल्टरनेटिव वे टू कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द नॉर्मली. ठीक, दिस अल्टरनेटिव वे, दिस अल्टरनेटिव वे इज नथिंग बट एक्सेप्शन हैंडलिंग. क्लियर है? तीनों चीजें आ गई, लेमैन की भाषा में भी और डेफिनेशन. डेफिनेशन वैसे आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, ये डेफिनेशन जो मुझे जिस टाइम पे याद आती है उस तरह से लिख देता हूँ. ठीक है, आपको जैसे याद है बस जिस्ट समझो, जिस्ट मतलब सार समझो, ठीक, चीजों का. चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये तो हो ही गया. अब वो अल्टरनेटिव वे कैसा है भाई? हमने लेमैन की भाषा में तो समझ लिया कि मदर से कह देंगे कि आप जगा देना, अगर ब्रिज टूट जाए तो कोई दूसरे रास्ते से चले जाएंगे. प्रोग्रामिंग में क्या होगा भाई? कौन बोला? आप बोले थे. वही वही अल्टरनेटिव वे क्या है आपका? एक्सेप्शन है. तो कितने तरीके से हैंडल की जा सकती है जावा के अंदर एक्सेप्शन? तीन तरीके से, तीन तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक. ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच, इसको ब्लॉक लिख देता हूं, या इसको ऐसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच BLO
OCK ब्लॉक, इसमें एक फाइनली भी होता है, ये भी समझाऊंगा ठीक, विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच फाइनली, बट ये मैंडेटरी नहीं होता, इसलिए अभी ट्राई कैच कह रहा था मैं, ये मैंडेटरी नहीं होता ठीक है, इस पे स्टार भी लगा देता हूँ कि मैंडेटरी नहीं है ठीक, और स्टार वाली चीज को कहते हैं नॉट क्या है मैंडेटरी ठीक, वो मैंडेटरी नहीं है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विद हेल्प ऑफ थ्रोज कीवर्ड, और एक है विद हेल्प ऑफ थ्रो, ठीक है, यहां तक किसी को कोई इश्यू? इन तीन तरीके से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, हैंडल करना मतलब रिपेयर करना नहीं होता, यस। और सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा यूज किया जा सकने वाला ट्राई कैच ही है ठीक, हाँ वही लिख रहा हूं, दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू हैंडल द एक्सेप्शन, ट्राई कैच सबसे ज्यादा बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर हर चीज डिफाइन की हुई है कि वो कैसे थ्रो थ्रोस पे भी आएंगे, जैसे कि ट्राई ब्लॉक बनाया और जिस कोड में हमें लग रहा है कि एक्सेप्शन आने की संभावना है उसे हम कहते हैं रिस्की कोड, रिस्की कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगा ठीक, हैंडलिंग कोड आएगा कैच के अंदर, जिसके अंदर एक अपना यहां पर हम पैरामीटर, सॉरी हाँ पैरामीटर बनाएंगे एक्सेप्शन, जिसको डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर वही ऑब्जेक्ट पकड़ा देगा कि भैया आप तुम कर लो जो करना है ठीक, और यहां से इसके अंदर हमारी मर्जी, हम जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करें या जो मर्जी करें वो हमारी मर्जी है ठीक, तो रिस्की कोड आ गया और यहां आ गया ठीक है एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, क्लियर है, यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, क्लियर है, हाँ जी आ रहा है, अरे यार मतलब सबसे पूछ रहा हूँ इनसे पूछ के क्या अपराध कर दिया, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसे करके यहां देखते हैं ठीक, ये मेरा रिस्की कोड था, ये मेरा क्या है रिस्की कोड है, रिस्की कोड को जैसा कि मैंने आपसे कहा ट्राई में डाल देते हैं, डाल दिया और कैच में डाल देते हैं, क्या कैच में डाल देते हैं वही एक्सेप्शन का बना के कुछ, जबकि मुझे पता है कौन से तरीके का एक्सेप्शन आने की संभावना है, दिख रहा है नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मालूम है, तो हम एक्सेप्शन देखो ये हायरार्की जब समझाऊंगा उस हायरार्की के अंदर बताऊंगा, सबसे ऊपर थ्रोएबल क्लास होती है, फिर उसके बाद एक्सेप्शन नामक आपका पेरेंट होता है, फिर उसके बाद सारे चेक्ड और अनचेक्ड और सब इसके चाइल्ड होते हैं, तो डायरेक्ट पेरेंट को ही क्यों परेशान करें जब इसके चाइल्ड से काम चल सकता है ठीक, कौन सी वाली एक्सेप्शन आने की संभावना है अरिथमेटिक एक्सेप्शन ठीक, अब हमने क्या करा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, चाहूं तो मैं इसे ऐसे पूरा का पूरा प्रिंट करा लूं, या मेरा मन कर रहा है यहां लिखवा दूं यू कैन नॉट, मेरी मर्जी से मैं अपना मैसेज देना चाहता हूं डिवाइड अ नंबर विद जीरो, मैं ऐसा चाहता हूं कि वहां पे आउटपुट में ऐसा लिखा हुआ है ठीक, अब देखिएगा मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, कहां एक्सेप्शन आई हुआ है आया यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर विद जीरो, मेरे हिसाब से हैंडल हो गई, और प्रोग्राम का टर्मिनेट कैसा हुआ, टर्मिनेशन कैसा हुआ, नॉर्मल हुआ, बाकी का कोड चला, रुक नहीं गया वहीं, मान लो 50,000 लाइन का कोड था वो चलेगा, समझ में आ रहा है, तो ये कैसा टर्मिनेशन हुआ नॉर्मल, क्योंकि हमने एक अल्टरनेट वे दे दिया कि मान लो इसके अंदर एक्सेप्शन आ ही जाए तो भैया कैच में मैंने लिखवा दिया कि ये बात लिख दो, अब उसकी भी बात कर लेते हैं जो मैं कह रहा था डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या कराता है ना, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर देखते हैं इसी ई को, ई डॉट टू स्ट्रिंग, उसने ई के अंदर ही पास करा दिया होगा ना वो ऑब्जेक्ट, मैंने हाँ ये रहा ना ये रहा ई वे ई कर लो एक्स वाई जेड जो मर्जी कर लो वो आपका मन है ठीक है, ये लो अर्थमेटिक वाली है तो ए आर कर लो ठीक है, एक ही बात है वो क्या फर्क पड़ रहा है उससे,
यानी कि इस वेरिएबल के अंदर ही तो वो पास करा देगा क्या? ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेप्शन का नाम है, एक्सेप्शन की डिस्क्रिप्शन है और लाइन नंबर है। आप देखें रन करा के देखिएगा आया डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को मैंने जैसे ही डॉट टू स्ट्रिंग कराया मेरी एक्सेप्शन का नाम भी वैसे नहीं आया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन और ये सब बातें लिखी हुई नहीं आई। मेरे डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने इसके अंदर जो चीज ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कराई वो सब आ गया और जो डॉट टू स्ट्रिंग करके कन्वर्ट किया जा सकता था वो इसमें कन्वर्ट किया। क्लियर है? या मैं इसको ऐसे भी करा सकता था, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जो किया जा मैंने अभी जोड़ा ना, जो डॉट टू स्ट्रिंग मेथड से कन्वर्ट किया जा सकता था वो इसने किया। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, इस ए आर नाम के वेरिएबल में जो भी है उसे डॉट प्रिंट, क्या हुआ डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस नाम का मैं मेथड इस्तेमाल कर लूं या प्रिंट स्ट्रीम भी इस्तेमाल कर लूं। है देखो सब किसके किसके थ्रोएबल क्लास के, ठीक है, है किसके थ्रोएबल के। क्लियर है? फोन बज रहा है, चलिएगा लिख देते हैं। मैं यही वाला इस्तेमाल करता हूँ जिसमें कोई भी पास नहीं करना। क्लियर है? और रन किया देखिएगा आया देखिया, यानी कि ई यानी कि उस वेरिएबल में डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने मैंने प्रिंट स्टैक ट्रेस नाम के मेथड की हेल्प से प्रिंट कराने की कोशिश करी। दिख रहा है सब कुछ आ गया पर वो मैंने जो डॉट टू स्ट्रिंग करा था उसने सिर्फ उसी को कन्वर्ट किया जिसे किया जा सकता था। क्लियर है? यहाँ समझ में आया? यानी कि ये सारी बातें वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर इसको इस वाले वेरिएबल को दे रहा है कि भाई साहब आप हैंडल कर लो। तो मैंने भी कुछ नहीं करा, मैंने कहा भैया मुझे कुछ नहीं करना, प्रिंट स्टैक ट्रेस से प्रिंट करा, मैंने भी वही काम कर दिया जो मेरा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर कर रहा था, पर काम मैंने किया। तो क्या अब नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा या अब नॉर्मल स्टॉपेज होगा? नॉर्मल होगा क्योंकि अब मैंने हैंडल करी। अगर हैंडल डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर करता तब अब नॉर्मल होता। समझ में आ रहा है? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दिख गया कि हाँ जी वो इस्तेमाल कर रहा है, अब मेरा रोल खत्म, अब मुझे कुछ नहीं करना, फिर तो नॉर्मल टर्मिनेशन होगा ना, लास्ट तक एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अल्टरनेटिव वे भी समझ में आ गया एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्शन क्या है? हाँ जो आपका मन कर रहा है अगर आप डालना चाहते हो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन, देखते हैं जरा आपकी भी बात लिख दे रहा हूँ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब मैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन करके ए आर डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। भैया देखिएगा आप, ये वो वाली एक्सेप्शन नहीं आई जो कि आनी चाहिए थी क्योंकि मेरी एक्सेप्शन का एग्जैक्ट मैच नहीं हो पाया क्योंकि वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं थी। फिर इसके अंदर मैंने उसको हैंडल ही नहीं करा, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को फिर याद किया गया, उसमें जाके चिपका दी। क्लियर है? और जब वो चिपकाएगा तो आगे की नॉर्मल फ्लो ऑफ जो प्रोग्राम का जो जो एग्जीक्यूट होने वाला था उन्हें होने नहीं देगा, ठीक है, अब नॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा। हाँ मैं सभी एक्सेप्शन की पेरेंट को डाल सकता था, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, चाहे नल पॉइंटर हो चाहे कोई सी भी हो, सबके लिए ये तो चली जाएगी। एक्सेप्शन डाल देता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या इसकी भी पेरेंट थी क्या? थ्रोएबल ही डाल देता तब भी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आप डिफरेंट मैच वाली कोई चीज डाल दोगे तो वो तो भाई फिर डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को अपना रोल एक्टिव करना ही पड़ेगा ना। इसके अंदर तो हो जाएगा, क्यों, थ्रोएबल की क्लास चाइल्ड क्लास है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, वो कहेगा भैया आपके पास जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है जाके प्रिंट कर दो, प्रोग्राम को होने दो, ऐसा किया जा सकता है। परंतु एक्सेप्शन आ रही है अरिथमेटिक और नल पॉइंटर करा रहे हो, फाइल नॉट फाउंड करा रहे हो, वो तो मैच ही नहीं हो पाया। क्लियर है? मैच होना भी जरूरी है। क्लियर है? कौन सा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट जावा डॉट लाइन, कौन है, मतलब थ्रोएबल की जगह ऑब्जेक्ट डाल दिया सुपर पैरेंट। अच्छा दीजिए, ये एक्सेप्शन से इसका कोई लेना देना नहीं, ऑब्जेक्ट सबकी पेरेंट है। परंतु जहां हम एक्सेप्शन की बात करते हैं
तो लास्ट पेरेंट अगर बात करोगे तो थ्रोएबल है, मानते हैं थ्रोएबल का भी पेरेंट ऑब्जेक्ट है, पर उसका एक्सेप्शन से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, देखो कितनी सारी डिस्क्रिप्शन दी है उसने, क्या मतलब, जैसे वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन है, हैंडलर ने तो अपना काम करा ही करा, परंतु और एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन भी आ गई। चलो मैं देख लूंगा क्लास में, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है भाई? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं चलने वाला ये सब काम, कंपाइलर ही कह देगा आप कैच के अंदर ये क्या डालने का अपराध कर रहे हो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, नो एक्सपेक्ट क्या है, नो एक्सेप्शन ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसी टाइप का एक्सेप्शन नहीं है जो आप डालने की चेष्टा कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, ऑब्जेक्ट की जगह एक्सेप्शन करके फिर से रन कर देते हैं ये लोग, ये रन हो गया, क्या हो गया, बीच में आ गया था, हेलो नहीं कहा आ रहा, लगा होगा आपको ऐसा, चलो रिकॉर्डिंग में आ गया होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ रिस्की कोड है वो, जब तक मेरा ये रिस्की कोड ना चले तो मैं आगे कोड को एग्जीक्यूट ही ना होने दूं, तो हार्ड एक्सेप्शन लगा दो ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड ही मत लगाओ, वहीं रोक दो उसको। एग्जांपल दो, दो कोई एग्जांपल दो, आई डिवाइड बाई जीरो कर दिया, हाँ इसके अंदर, अच्छा ऊपर, इससे बाहर, यहाँ इंड एक्स इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय जीरो कर दिया, हाँ कहाँ, अंदर अंदर एक्स प्रिंट कर दिया, तो क्या ये एक्स रिस्की कोड है, एक्स जो है रिस्की कोड है, ट्राई के अंदर तो हम रिस्की कोड लिखते हैं, और रिस्की कोड तो ये रहा, ये है रिस्की कोड, तो एक्स कहाँ है रिस्की कोड, एक्स तो बेचारा शराफत से एक वेरिएबल है, वो कह रहा है जो आप दोगे मैं ले लूंगा, वो कहाँ रिस्की कोड है, हाँ हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं, डिवाइस को मैं हटा देता हूँ, आप कह रहे थे यहाँ पर एक एक्स और ले लेते हैं, और यहाँ आपने इसको हटाया, यहाँ कह रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय जीरो हो जाए, और फिर यहाँ प्रिंट कराना चाह रहे हैं आप एक्स प्लस वन, यही करना चाह रहे हैं आप, है ना, यही करना चाह रहे हैं ना, तो भाई साहब यहाँ पर आपके एक्स के साथ वो वाली एरर आ जाएगी कंपाइल टाइम की, लोकल वेरिएबल मस्ट बी मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, अभी तक वो इनिशियलाइज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इनिशियलाइज किया जा सकने वाला कोड भी जो है असमंजस में है, ट्राई में डाला है ना, असमंजस में है, प्योरली होता तो मैं मान लेता, लेकिन आपने खुद उसको, आपको खुद उस पर वो है संदेह है ना, तो मैं कैसे मान लू, ठीक, यस, हाँ जी, हाँ पासवर्ड में कुछ अगर डाउट है तो ये कोई रिस्की कोड थोड़ी है, ये तो कंडीशनल है, मैच किया तो आगे बढ़ने देना, नहीं किया तो दे दो कि भैया पासवर्ड रॉन्ग, मिसमैच पासवर्ड, रिस्की तो वो होता है जो प्रोग्राम को रोकने की ताकत रखता हो, यहाँ डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का काम आ जाए, यहाँ डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का क्या काम, कुछ भी काम नहीं, मैच हो गया तो चलेगा, नहीं हुआ तो ऐसे वाला पार्ट एक बात हो गया, तो
तो ये पहले बताओ, लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाए, ये चेक्ड एक्सेप्शन है या अनचेक्ड है? चेक्ड है, अनचेक्ड तो है, रन टाइम पे आ रही है, अनचेक्ड है ना। तो अनचेक्ड को एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोड आप लिखोगे भैया, ट्राई में डाल दोगे कि भैया इस एलिमेंट को हिट करने की कोशिश करे, नहीं कर पाया तो उसमें जाके कैच में फिर दोबारा एक बार ट्राई लगा दोगे कि भैया आप इसको जावा स्क्रिप्ट से के थ्रू क्लिक करने की कोशिश करें। ऐसा ही तो करते हो आप अपनी प्रोग्रामिंग में, नहीं करते? अभी तक नहीं किया क्या? आगे करोगे तो सर बताएंगे, करोगे ऐसे ही भाई। मान लो नॉर्मल वैसे नहीं चला, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रही है, तो कैच में जाके एक और ट्राई लगाओगे, चलो अब जावा स्क्रिप्ट से करके देख लेते हैं, तब भी नहीं हुआ, फाइनली आप कहोगे कि एलिमेंट मिल ही नहीं रहा। ठीक है, हाँ क्लियर है, यहां से समझ में आ गया, हैंडलिंग वाली बात समझ में आ गई, ट्राई कैच, ट्राई कैच समझ में आ गया, अभी नहीं आया, आ जाए मुझे नहीं आया वाली। अब कल को आपको थ्रो थ्रोस बताऊंगा, ट्राई कैच के साथ एक फाइनली भी बताऊंगा। हाँ जी, देखो आज मैंने आपको थॉरली भी समझा दिया, कोडिंग के थ्रू भी थोड़ा बहुत समझा दिया, और प्रैक्टिस आपके हाथ में, प्रैक्टिस आपके हाथ में, बंद करते हैं इसे यहीं तक, हो गया ये।